कैसे हो? मैं साहिल, अभी मेरे पास आई है XX4। जो गाड़ी हीट हो गई थी, तो हीट होने के कारण दिक्कत क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैंने इसका अभी हेड खोला हुआ है। हेड खोलने के बाद जो फॉल्ट मुझे नज़र आई है वो 3 नंबर पिस्टन में, जो कि ये देखें 3 नंबर पिस्टन पर पानी आ रहा है। तो ये वाल लीक होने के कारण ये 3 नंबर पिस्टन पर पानी आ रहा है। तो ये गाड़ी पानी भी कम करने लगी थी और गाड़ी हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण ये दिक्कत आया। तो अभी मैंने हेड खोल के नीचे कर लिया है और इसमें हेड का भी काम कराना पड़ेगा, और दूसरा ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी फेस कराना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक का भी फेस आउट हो जाता है। तो ये XX4 पेट्रोल है। इसके लिए फिटिंग क्या क्या खोलना पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे से चैम्बर खोलना पड़ेगा, और चैम्बर खोलने के बाद साइड का ऑयल पंप खुलेगा, जो कि चैम्बर के अंदर बोल्ट लगा होता है। सबसे मेन प्रोसेस जो है इसका ब्लॉक, जो कि इसको फेस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फेस आउट हो जाता है। दिखा रहा हूँ आपको हेड, देखें ये 3 नंबर वाल है, जो कि 3 नंबर वाल में ये पानी आ रहा था। तो इससे दिक्कत क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये होगा कि पानी खाएगी गाड़ी, और दूसरा मिसिंग भी रहेगी गाड़ी में। तो ये हेड का भी काम कराना पड़ेगा और ब्लॉक भी फेस कराना पड़ेगा। करके मंगा लिया है ये देखें। तो ब्लॉक, जब भी आप हेड खोलें तो ब्लॉक जरूर चेक करें कि ब्लॉक में दिक्कत है या नहीं। ब्लॉक का फेस आउट होने से भी गाड़ी गर्म होगी और पानी खाएगा, तो ब्लॉक का फेस ज़रूर करवाएं। अभी मैंने हेड का सारे काम करवा लिया है। तो ये देखें, आप पेट्रोल की कोई भी गाड़ी का हेड खोलें तो हेड का सारा काम कराएं, वाल गाइड सील सारा। तो मैंने भी हेड का काम सारे करवा लिया है। तो इसमें जो दिक्कत थी वो गैस बनती थी, दूसरा पानी भी कम हो रहा था। तो मैंने दिखाया था 3 नंबर पिस्टन में पानी आ रहा था, और इसका जो हॉस पाइप था वो बार बार फेंक दे रहा था, जिसको मैंने बताया इंजन के बारे में। तो इंजन मेरा कंप्लीट है, तो स्टार्ट कर रखा मैंने गाड़ी। ये देखें आप, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई मिसिंग या कुछ भी नहीं है, पानी के लिए कोई वाला नहीं है, बिल्कुल उसके रिपोर्ट है। मुझे दिक्कत हो रहा था पहले, ये वाला हॉस पाइप बार बार बाहर फेंक दे रहा था गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी हीट होती थी। हीट होने के कारण गैस बनता था गाड़ी में, और गैस बनने के कारण ये हॉस पाइप बाहर अपने आप निकल जाता था। तो ये XX4 इस इंजन के बारे में बताया कंप्लीट। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं साहिल, फिर मेरा।